आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी, और आपने गुफ्तगू सुनी बैरिस्टर गौहर साहब की भी और अली अमीन गंडा साहब की भी, और क्या देख रहे हैं आप कि अब तक कितने जो हैं वो रबते हो चुके हैं, और क्या वाकई संजीदा ही रबते हो रहे हैं? मैं आपका सवाल तो ठीक तरह नहीं सुन सका डिस्टॉर्शन की वजह से, लेकिन जो मैंने किसी हद तक अंडरस्टैंड किया कि देखें, जो सबसे पहले एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, देखें ये चीज़ अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं और जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया था। इसमें ये पैगाम भिजवाया जाना, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि बानी पीटीआई की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया, वो रिस्पांस यानी पहली मर्तबा इन दो ढाई सालों में उनकी जानिब से जो ये सियासी पता फेंका गया, ये ज़्यादा हैरानकुन था। इसने नून लीग को परेशान भी कर दिया, और नून लीग की लीडरशिप किसी तौर पर ये ना चाहती है और ना वो ये होने देना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी एंगेज हो, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, तो वो ये नहीं चाहते। वो अलबत्ता नून लीग के अंदर एक धड़ा जो है वो ये समझता है कि पॉलिटिकली एंगेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी मुस्लिम लीग नून के एक आला ओहदेदार से ये बात हुई, सीनियर रहनुमा से बात हुई, तो उनके अल्फाज मैं आपको बता देता हूं कि क्या नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई एंगेजमेंट करने जा रही है। तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं। उनका ये कहना था कि इस मामले पे कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी अभी स्टेटमेंट दिन में आया, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि ये एंगेजमेंट हो, जबकि ये बात दुरुस्त है कि नून लीग के अंदर कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है ये होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मीडिया पे आके और जो लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्फ्रंट भी कर रहे होते हैं, उनको टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वहाँ दरवाजे बंद है, तो जो आपके ज़राए हैं क्यों उन्होंने हकायक से पर्दा क्यों नहीं उठाया है? और अब खासतौर पर अगर बात की जाए तो शरिया दस्तूर की जो हवाएं हैं अब वो क्या बता रही हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात तो अभी भी कोई नहीं हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एस्टेब्लिशमेंट के कोई मुज़ाकरात नहीं। राब्ता तो हुआ है ना, लेकिन एक ऐसा राब्ता बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के जरिए हुआ, इनडायरेक्ट राब्ता हुआ, और बानी पीटीआई ने उस पर हैरानकुन तौर पर अच्छा जेस्चर दिया जो जेस्चर दिए जाने की जरूरत थी, और ऐसा ही जेस्चर देखना होगा कि वो आगे चल के देते हैं या नहीं। उसके बाद जो चीजें हैं वो फिर आगे जाके मुस्तकबिल में, जाहिर है पाकिस्तान की सियासत है, ये कोई दुश्मन तो नहीं, अपने मुल्क के लोग हैं, एंगेजमेंट होने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में बताया कि कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन ऐसे ही मामलात आगे बढ़ते हैं और ये मामलात होने चाहिए और मुल्क के लिए एंगेजमेंट होनी चाहिए। और इसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने एक कंडीशन रखी, उस कंडीशन पे भी बानी पीटीआई ने बहुत हैरानकुन तौर पे ये कहा कि ठीक है जी, हम मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जाहिर है उन्होंने अपनी सियासत भी चलानी है, अपने फॉलोअर्स को भी एंगेज रखना है, उनका सोशल मीडिया पे उनके लिए प्रेशर अलग से है, उनके अपने जो लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, देखें जी हमने तो आपके लिए जेलें काट ली, मारे खाई, अपने घरों से दूर हो गए, आप जो हैं वो एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट अल्टीमेटली एक दिन करनी करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीटीआई बोले, पीटीआई की तो लड़ाई ये थी कि आप हमें, हम पर तवज्जो देने की बजाय आप किस जानिब चल दिए, आपने तो उनके साथ दोस्तियां लगा ली, हालांकि ठीक है दोस्तियां लगा ली, बिल्कुल बिल्कुल।